ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से मंत्री बनने का ख्वाब देखने लगे हैं और इस बार तो उन्होंने बिना बुलाए दिल्ली जाने का फैसला भी कर लिया और मंत्री बनने की फाइनल तारीख भी आपको बता दी है। हालांकि अभी तक योगी सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही राजभर ने कहा है कि हम जल्द ही यूपी सरकार में मंत्री बनने वाले हैं और साथ ही दारा सिंह चौहान को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि कल या परसों वो दिल्ली जाएंगे और वहीं मंत्री बनने पर बात होगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि फिलहाल बुलावा नहीं आया, लेकिन वो दिल्ली जरूर जाएंगे और 7 नवंबर तक मंत्री बनने की बात भी क्लियर हो जाएगी। यानी कि राजभर एक बार फिर मंत्री बनने के हसीन सपने देखने लगे हैं और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखा दें। हम तो बनेंगे, टाइम आने दीजिए। अब देखिए इसकी खबर हम आपको 7 तारीख को बताएंगे फाइनल। माननीय मुख्यमंत्री जी, इनको जल्दी शपथ दिला दो, नहीं तो ये हमारे पास आ जाएंगे। मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे राजभर का राजयोग सिर्फ दावा है या संभावना या फिर सियासी फसाना? क्योंकि जिस तरह ओपी राजभर मंत्री बनने के लिए सपने संजोए हुए हैं, उस सपने को पंख लगने वाला है और बुलावा दिल्ली से आया है। मंत्री बनने वाले बहुत बिल्कुल बनेंगे, धारा क्यों नहीं बनेंगे आप? हम तो बनेंगे, टाइम आने दीजिए। देखिए जो चर्चा चुनाव से पहले ये धमाका होगा क्या? अब देखिए इसकी खबर हम आपको 7 तारीख को बताएंगे फाइनल। 7 तो हाँ, इसी 7 को हम, हो सकता है कल परसों में दिल्ली जाएं तो एक्यूरेट डेट बताएंगे कब डेट को। अमित शाह से मिलने मुलाकात फिक्स हो गई है? नहीं फिक्स नहीं है, कल बात करेंगे। कल महीने की शुरुआत है ना, कल मतलब 7 तारीख को फाइनल हो जाए? नहीं 7 को फाइनल है, मतलब 7 तक हम आपको बता देंगे कि कब क्या होगा। राजभर मंत्री बनने के लिए इतने उतावले हैं कि उन्होंने खुद से ही तारीख भी बता दी और अपने साथ साथ दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनने की लिस्ट में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा, मुझे जल्द ही मंत्री बनाया जाएगा, कल मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, 7 नवंबर को फाइनल डेट बता देंगे, मेरे साथ दारा सिंह भी मंत्री बनेंगे। स्वघोषित मंत्री राजभर को इंतजार अब उस घड़ी का है जब उनसे केंद्रीय नेतृत्व की मुलाकात होगी, लेकिन क्या मंत्री पर ही बात होगी? ये बड़ा सवाल है। तो हाँ, इसी 7 को हम, हो सकता है कल परसों में दिल्ली जाएं तो एक्यूरेट डेट बताएंगे कब डेट को। अमित शाह से मिलने मुलाकात फिक्स हो गई है? नहीं फिक्स नहीं है, कल बात करेंगे। कल महीने की शुरुआत है ना, कल मतलब 7 तारीख को फाइनल हो जाए? नहीं 7 को फाइनल है, मतलब 7 तक हम आपको बता देंगे कि कब क्या होगा। दरअसल ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में आए और आते ही घोसी उपचुनाव में उनका भी प्राइमरी टेस्ट हो गया। घोसी में उन्होंने तमाम दावे किए थे, यहां तक कि समाजवादी पार्टी को हारा हुआ करार दिया, बल्कि पूरे क्षेत्र में अपनी पैठ को लेकर भी अपनी ही पीठ ठोंकते रहे। हालांकि नतीजों के बाद राजभर के दावे भी खारिज हो गए और शायद उनके मंत्री बनने के सपने पर ताला लग गया। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने ना तो उम्मीद छोड़ी है और ना ही रणनीति बनाने से पीछे हटे हैं। भाजपा के सहयोगी दल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर बयान दिया है कि वो दिल्ली जा रहे हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और जल्द योगी कैबिनेट में शामिल होंगे, यानी कि योगी सरकार में ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे, जैसा कि उन्होंने बयान दिया है। लेकिन इस बीच चर्चाएं यह भी हैं कि ओम प्रकाश राजभर इससे पहले भी लगातार बयान देते रहे, अब उनकी बात में कितना दम है? ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने के सपनों का क्या होगा, इसका फैसला तो बीजेपी आलाकमान ही करेगा, लेकिन ओपी राजभर जिस शिद्दत से सवाल का जवाब दे रहे हैं उसे देखकर साफ है कि वो हर सूरत में मंत्रिमंडल में शामिल हो जाना चाहते हैं। हालांकि घोसी उपचुनाव के नतीजों के बाद राजभर के हाथ से ये सुनहरा मौका शायद फिसल चुका है, लेकिन उम्मीदें अब भी बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।